हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम यूपीएससी और यूपीपीसीएस मेंस आंसर राइटिंग सीरीज का डिस्कशन कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हमारा 43वां दिन है जिसमें हम अपने शेड्यूल के हिसाब से जीएस पेपर 4 और जीएस पेपर 1 के एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। और मैं इस बात को बता दूं, जैसा कि अब यूपीपीसीएस जो 2019 था उसकी डेट्स आ चुकी हैं और 25 जुलाई से प्रस्तावित है। हालांकि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इस बात पे मैं नहीं जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि वर्तमान अगर परिस्थितियाँ आप देखें तो ऐसा होना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी क्योंकि आयोग ने अपनी डेट्स घोषित कर दी हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि 25 जुलाई को एग्ज़ाम है और उसी हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं प्रयास करूँगा कि जो लोग यूपीपीसीएस दे रहे हैं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, कुछ पोलिंग कराएं कि कितने लोग हैं और कितने लोग इस बार मेंस अपीयर हो रहे हैं, क्योंकि मैं भी अपीयर हो रहा हूं, तो उस हिसाब से कुछ शेड्यूलिंग कर लेंगे, कुछ देख लेंगे कि कैसे पेपर्स को सॉल्व करना है, कुछ रणनीतियां बना लेंगे और आगे की चीज़ें डिस्कशन हम कर लेंगे। तो इसी के साथ जो आज का हमारा जो क्वेश्चन आंसर होगा वो जीएस पेपर 4 का एक प्रश्न होगा और जीएस 1 का एक प्रश्न होगा, जिसकी आपको स्ट्रक्चरिंग मैं बताऊंगा और आंसर आपको स्वयं से लिखना है। और जो लोग अब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है, तुरंत उन लोग को तो अब आंसर राइटिंग और ज़ोर शोर से प्रारंभ करनी चाहिए। और इसीलिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर बहुत ढेर सारे मेंस के पेपर अपलोड कर दिए हैं, आप उसमें से कुछ क्वेश्चंस उठाएं अलग अलग पेपर्स के और उसके मॉडल आंसर के साथ उसके आंसर राइटिंग को कंप्लीट करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 2019 की सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम हुई है उसमें मैं इंटरव्यू में हिंदी माध्यम से अपीयर हुआ हूँ और एक IIT रुड़की का एलुमनाई होने के साथ साथ मैं जो ये प्लेटफॉर्म है इसके माध्यम से कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी मीडियम का जो रिज़ल्ट है, चाहे वो UPSC में हो या UPPCS में हो, किसी तरह से एक अच्छा सुधार हो। तो इसमें आप भी अपना सहयोग दिखाएं और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया है, साथ में ही WhatsApp, Facebook आदि के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से अपने दोस्तों तक इसे शेयर नहीं किया है तो कृपया इसे जल्दी से जल्दी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो हम आज का प्रश्न पढ़ते हैं सीधे। देखिए प्रश्न क्या है जीएस पेपर 4 का, ठीक है, केस स्टडी मैं थोड़ी और जल्दी डिस्कशन कर दूंगा, ढेर सारी केस स्टडी आने वाले टाइम में डिस्कशन कर दूंगा, कोई बहुत मुद्दा नहीं है केस स्टडी डिस्कशन करने का। आज हम एक सिंपल प्रश्न उठाते हैं गांधी जी के ऊपर, क्योंकि ऐसे प्रश्न आने के अधिक संभावना है। और देखिए केस स्टडी क्या है, क्योंकि कुछ लोग की डिमांड आ रही थी सर केस स्टडी 2-3 वीक हो गए और नहीं हो रहा है। बेसिकली बात समझना है, मैंने 4 तरह की केस स्टडी अभी तक डिस्कशन की है। वो 4 तरह की केस स्टडी आप देखिए वो अब एक तरह से कंप्लीट पैकेज है। वो 4 तरह मैंने जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे, जितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन अभी तक बन सकते थे, मैंने उतना करा दिया है। अब उसी में अलग अलग जो डायमेंशंस होंगे वो मैं आने वाले टाइम में करा दूंगा, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं जो अभी जो आज हम कर रहे हैं और जो हमने अभी राइटिंग वाले जो 10 मार्कर क्वेश्चन हमने करना प्रारंभ किया एथिक्स में, ये अत्यंत आवश्यक है। क्यों? ये वाले क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते हैं तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी और आपको समझना होगा कि यार कैसे ऐसे प्रश्नों को टैकल करें, ठीक है। तो ये जिम्मेदारी समझते हुए मैं ये वाले क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। बाकी मैं केस स्टडी तो मैं जब चाहूँगा तब डिस्कशन कर दूंगा, बल्कि एक दिन में 2-3 वीडियो अगर मुझे बनाने पड़ेंगे तो अभी मैं वो भी कर सकता हूँ। हाँ, थोड़ा सा ये रहेगा कि मैं मॉडल आंसर की तरह नहीं करूंगा, बेसिकली स्ट्रक्चरिंग वाले पार्ट कर दूंगा, तो वो मैं कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन है, साधन और साध्य संबंधी गांधी जी के दर्शन को स्पष्ट कीजिए, ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है। ब्रिंग आउट गांधी जीज फिलोसफी ऑफ मीन्स एंड एंड्स। अब इस बात को समझिएगा, जब ऐसा प्रश्न आता है तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ऐसे प्रश्नों को कैसे टैकल करेंगे, कैसे क्या सोचेंगे। तो देखिए पहली बात ये, आपको ये तो पता होना चाहिए कि यार गांधी जी का ये विचार क्या था, पहली बात तो ये पता होना चाहिए। अब विचार आपको पता है तो इसको लिंक कैसे करेंगे आप उनके जीवन से। अच्छा देखिए, मैंने आपको एक तरह का क्वेश्चन बताया था, एक जो एथिक्स में एक प्रश्न पूछते हैं इस प्रकार के कि जो उदाहरण है उपरोक्त उदाहरणों का वर्तमान जीवन में प्रासंगिकता क्या है, एक प्रश्न इस तरह का पूछते हैं, ठीक है, और एक प्रश्न इस तरह का पूछते हैं जो नैतिक विचारक, आपने सिलेबस देखा होगा तो सिलेबस में नैतिक विचारक एक प्रमुख भाग है सिलेबस का, ठीक है, नैतिक विचारक। तो गांधी जी भारत के प्रमुख नैतिक विचारक माने जाते हैं। तो दो तरह के प्रश्न नैतिक विचारकों से बनते हैं, एक कि ये पूछेगा जो एक उदाहरण दे देगा, मान लीजिए गांधी जी का कुछ एक विचार दे देगा, ऐसे विचार जैसे पृथ्वी आपकी जरूरतों को पूरा कर सकती है लेकिन आपकी लालच को नहीं, ठीक है, ऐसा मान लीजिए एक विचार दे देगा और उससे बोलेगा कि इस विचार का वर्तमान जीवन में प्रासंगिकता बताइए। इस तरह के प्रश्न हमने 3-4 ऑलरेडी कर दिए हैं। एक प्रश्न ये बनता है विभिन्न जो विचारक हैं जैसे इमैनुअल कांट हुए, इसके अलावा आप देखेंगे रॉल्स हुए, रॉल्स का न्याय का सिद्धांत, ठीक है, गांधी जी हुए, अम्बेडकर हुए,
हो सकता है इनके बारे में सीधे पूछ दे, जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद, हमने इस तरह के प्रश्न किए थे। और जो लोग एग्जाम दे रहे हैं वो लोग ये प्रश्न जो एकात्म मानववाद है, अगर अब तक नहीं देखा है तो वीडियो वापस जाएं, ठीक है, प्लेलिस्ट खोलें और सारे वीडियोस देख डालें, क्योंकि ये प्रश्न आने वाले हैं। सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, ये प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, बेसिकली ये जो दूसरा टाइप वाला प्रश्न है उसको कैसे टैकल करना है। तो देखिए, मान लीजिए आप सीधे ऐसे पूछे कि कांट के विचार क्या है नैतिकता संबंधित, ऐसा अगर प्रश्न आ जाए, अब इसमें बात किया जाती है, अगर आपको नहीं पता है कांट के विचार क्या है तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि नैतिकता के कई विचार होते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत भी एथिक्स का पेपर 4 पढ़ा होगा, ठीक है, जो कि मुझे उम्मीद है आपने पढ़ा होगा, तो नैतिकता के कई विचार होते हैं। एक होता है उपयोगितावादी नैतिकता। उपयोगितावादी नैतिकता मतलब अधिक से अधिक लोगों का अगर हित हो रहा है वो काम कर लेना चाहिए। एक होता है साधन की पवित्रता, ठीक है, साधन की पवित्रता मतलब जो हम काम कर रहे हैं तो हम काम किस प्रक्रिया से कर रहे हैं, किस विधि से कर रहे हैं, कौन से तरीके से कर रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट होता है, न कि काम का रिजल्ट क्या रहा है। रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होता है, बल्कि ये होता है कि काम किस माध्यम से किया जा रहा है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एक होता है साध्यवादी, यानी हम कह सकते हैं उसको उद्देश्यवादी नैतिकता। उद्देश्यवादी नैतिकता क्या है, रिजल्ट मैटर करता है, न कि आप किस विधि से कर रहे हैं, मतलब बेसिकली रॉबिन हुड टाइप की ये नैतिकता है कि आप क्या करिए, अमीरों को लूटिए और गरीबों में पैसा बांटिए। रिजल्ट क्या है, नैतिक है, आपका उद्देश्य नैतिक है, तो आप अनैतिक माध्यमों से भी अगर वो काम कर रहे हैं तो अब आपको पता ही नहीं है कि कांट भाई साहब सोचे क्या थे, उपयोगिता वाली सोच रहे थे, साधन वाली सोच रहे थे कि साध्य वाली सोच रहे थे, आपसे ऐसे प्रश्न नहीं होंगे। तो ये जो प्रश्न है ये बेसिक थिंकिंग आपकी जानना चाहते हैं, आपको बेसिकली जो बेसिक नॉलेज है इस सब्जेक्ट का वो पता होना चाहिए। तो और सिंपल सी बात है, आपको बस क्या पता होना चाहिए, आपको अगर ऐसे प्रश्नों की बात करूं तो आपको कुछ नहीं करना है, खाली विचारकों के नाम लिख लेने हैं, गांधी जी ऐसे, ठीक है, रॉल्स ऐसे, दीनदयाल, सामने एक एक लाइन लिख देना है कि इसके मतलब ये था, इसने ऐसा कहा, बस एक एक लाइन। उसके बाद आप अपना लॉजिक लगा के आंसर राइटिंग कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे अभी देखेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, साधन और साध्य संबंधी गांधी जी के दर्शन क्या था, ठीक है। गांधी जी आपको पता है बहुत नैतिक किस्म के इंसान थे। अब ये दर्शन हम सोचेंगे कैसे, तो सीधी बात है, आप सोचिए गांधी जी का उद्देश्य क्या था, स्वराज प्राप्त करना या स्वतंत्रता प्राप्त करना। अभी यहां से अगर आप सोचेंगे तो आप सीधे पकड़ लेंगे कि गांधी जी का जो विचार है वो क्या है, स्वतंत्रता या स्वराज। अब ये जो उद्देश्य यानी लक्ष्य है, ठीक है, ये लक्ष्य कैसा लक्ष्य है, पवित्र लक्ष्य है, यानी हम कह सकते हैं ये नैतिक लक्ष्य है, ठीक है, और इसी को हम कहते हैं, जो लक्ष्य है उसी को कहते हैं हम साधन, यानी गांधी जी का साध्य, ठीक है। तो जो गांधी जी का साध्य यानी लक्ष्य है, ठीक है, वो क्या है, पवित्र है। अच्छा, ये जो स्वराज और स्वतंत्रता है वो गांधी जी किस माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं, सत्य अहिंसा इसके माध्यम से, ठीक है, सत्याग्रह के माध्यम से, इसके माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं। यानी गांधी जी का जो साधन है, यानी किसके माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, यानी साधन अगर मैं बात करूं तो साधन कैसे हैं, साधन भी पवित्र हैं या फिर नैतिक हैं, ठीक है, बेसिकली नैतिक है। अगर आप अब इस कॉन्सेप्ट को अगर यहाँ पे उतार दीजिए तो गांधी जी का विचार कुछ नहीं है। गांधी जी कहते हैं देखो भाई, साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए, ठीक है, मतलब साधन ये भी पवित्र और साध्य ये भी पवित्र, इसमें से कोई भी अपवित्र होगा तो काम नहीं करेंगे। अच्छा, अब इसके बाद भाई साध्य तो पवित्र होने चाहिए लक्ष्य। गांधी जी कहते हैं देखो, साधन पवित्र होगा तो तुम्हारा साध्य अपने आप पवित्र हो जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो हम जो मानव है एज अ ह्यूमन, हमारा कंट्रोल साधन पे है, हम साध्य को बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हमारा मान लीजिए लक्ष्य है स्वराज प्राप्त करना, ठीक है, स्वराज प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है, स्वराज प्राप्त करना अब मिल जाएगा नहीं मिल पाएगा, रिजल्ट आएगा। फॉर एग्जांपल, हमारा लक्ष्य, अभी मैं अपने बारे में बात करूं, हम लोग का लक्ष्य है यूपीएससी क्वालिफाई करना, पवित्र लक्ष्य, ठीक है, ये लक्ष्य तो पवित्र है अपने आप। अब इसके प्राप्त करने के कई तरीके होते हैं। एक तरीका ये, हम क्या करें, कंपटीशन कम कर दें, कोई ऐसा वायरस फैला दें कि क्या वो बाकी लोग एग्जाम में बैठ ही ना पाए, अनैतिक तरीका यूज करें, या फिर क्या करें, जो लग रहा है, जो दो चार लोग को हम जानते हैं कि यार ये प्रिपरेशन ढंग से कर रहे हैं, इनकी प्रिपरेशन में कुछ परेशानी क्रिएट कर दें, ये काम करें, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दें। तीसरा तरीका क्या कर सकते हैं, अनैतिक तरीके में एग्जाम में नकल करने बैठ जाएं, ठीक है, कुछ आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर लास्ट ईयर पकड़े गए थे नकल करते हुए, तो नकल कर दें, ये तीन अनैतिक तरीके हो गए। एक तरीका ये हुआ कि हम क्या करें, बढ़िया से प्रिपरेशन करें, बहुत अच्छे से नैतिक तरीके से, जो सोर्सेज हैं, जो मटेरियल हैं, वो मटेरियल न केवल इकट्ठा करें बल्कि उसका यूज़ भी सही डायरेक्शन में सही तरीके से करें।
तो आप देख सकते हैं हमारा कंट्रोल किस चीज़ पे है। यूपीएससी में सेलेक्ट होना क्या हमारा कंट्रोल पे है? भाई सीधी बात है, वो तो यूपीएससी डिसाइड करेगी ना कि आपको लेगी या नहीं लेगी। आपका कंट्रोल किस पे है? साधन पे है। आप या तो ये माध्यम से जाएं या तो आप गलत तरीके से जाएं, ठीक है। इस बात को समझिएगा, जो आपका कंट्रोल है वो किस पे है? साधन पे। गांधी जी यही बात कहते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्या करेंगे। तो अब हम प्रश्न को समझते हैं और आगे का दृष्टिकोण देखते हैं, और उससे पहले एक जो महत्वपूर्ण सूचना है, इसको मैं कल से नाम चेंज कर दूंगा, इसका नाम है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो क्या है कि आप जो भी डाउट नीचे पूछ रहे हैं, और अब मुझे लगता है कि लोगों ने देखना शुरू कर दिया है, तो आप उसके पहले एक बार प्लेलिस्ट अवश्य देख लें। अधिकांश चीज़ों पर चर्चा की जा चुकी है, चाहे वो GS 1, 2, 3, 4 का सिलेबस हो, यूपी पीसीएस के बैक ईयर के प्रश्न हो, और जो यूपी पीसीएस के जो बैक ईयर के प्रश्न हमने जो अभी 10 तक डिस्कशन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तक जीएस पेपर 1 के, इसको मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट बिना, जैसे मुझे क्या होता है थोड़ा टाइम लगता है, अगर मैं नोट्स बनाता हूँ प्रॉपर और उसको आके डिस्कशन करता हूँ तो टाइम लगता है। इसके बजाय मैं सोच रहा हूँ ये करूँगा, आपके सामने ही पेपर ओपन करके बैठ जाऊँगा और जो वहीं पे डिस्कशन हो सकता है उसको तत्काल रूप से कर दूंगा, तो ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है, और मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, मेरा भी समय बच जाएगा। तो इस तरह से हम उसको जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि अगले महीने ही एग्ज़ाम होना है मेंस का, और जो लोग देने जा रहे हैं खास करके यूपी पीसीएस, उन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2018 का पेपर पूरी तरह से सॉल्व करके जाएं। इवन मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 3 आवर बैठें पूरा, और 2018 का पेपर 3-3 घंटे में एक सीरीज की तरीके से इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। तो ये काम आप अवश्य कर लें। इसके अलावा हम जो भी चीज़ें चर्चा करते हैं वो हमारे PDF जो भी है टेलीग्राम चैनल @UPSCHindi with Gaurav पे आपको मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे जो भी मटेरियल्स हैं यूपीएससी से रिलेटेड यहाँ पे आपको निःशुल्क मिल जाती हैं। अब हम प्रश्न के दृष्टिकोण पे आते हैं। देखिए हमारा प्रश्न क्या था, साधन और साध्य संबंधी गांधी जी के दर्शन को स्पष्ट करना। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे, साधन एवं साध्य क्या है, ठीक है। तो साधन कुछ नहीं है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, विधियाँ या तरीके जिससे साध्य यानी लक्ष्य प्राप्त किया जाए, केवल यही चीज़ आपको एक दो लाइन में लिख देनी थी, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हम ये बता देंगे कि भाई साधन और साध्य हैं क्या, ठीक है। मुख्य भाग में क्या बताएंगे, उदाहरणों के साथ बताना है कि गांधी जी के विचारों को स्पष्ट करना है। क्यों, आपको क्या करना है, गांधी जी के दर्शन को स्पष्ट करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रश्न में ये मांग नहीं है कि वर्तमान जीवन में प्रासंगिकता बताइए। आप चाहे वर्तमान जीवन से स्पष्ट करें, चाहे किसी भी जीवन से स्पष्ट करें, या गांधी जी के उदाहरणों से स्पष्ट करें, बेसिकली आपको गांधी जी का दर्शन स्पष्ट करना है कि गांधी जी ये सोचते थे, गांधी जी की फिलॉसफी ये थी। तो अगर हम उनके जीवन के उदाहरणों से स्पष्ट करेंगे तो ये ज़्यादातर क्लियर होगा, ज़्यादा अच्छे से हम क्लियर कर पाएंगे कि गांधी जी इस विचार को मानते थे, गांधी जी ये चीज़ सोचते थे, ठीक है। इस बात को समझिएगा। अब बात आती है निष्कर्ष की, तो क्यों यहाँ पे हम निष्कर्ष कैसा लिखेंगे, तो आप इस बात को समझिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब ऐसे प्रश्न आए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जब ऐसे प्रश्न आए आपको निष्कर्ष क्या लिखना है, उसकी वर्तमान प्रासंगिकता कुछ बता देनी है, ठीक है। बेसिकली यही, अगर क्वेश्चन में मान लीजिए वर्तमान प्रासंगिकता पूछा होता तो हम वर्तमान प्रासंगिकता लिखते हैं, फिर क्या करते हैं निष्कर्ष में बता देते हैं कि वो कैसे प्राप्त किया जाए ऐसा, ठीक है। ऐसे ही तो हम अभी तक हमने जितने फ्लो बनाए, जितने स्ट्रक्चरिंग की है, आंसर राइटिंग यही तो करते आए हैं। मान लीजिए दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद पूछा था तो हम क्या करते थे, एकात्म मानववाद की वर्तमान प्रासंगिकता लिखते थे हम कि समावेशी विकास की बात करते हैं, ठीक है, ये सब पूरा पंचायत जो भी चीज़ें वो लिखते थे। निष्कर्ष में क्या लिखते थे, इन प्रासंगिकताओं को कैसे प्राप्त किया जाए। यहाँ पर आपको क्या लिखना है निष्कर्ष में, ये कैसे प्रासंगिक है, जो गांधी जी का साधन एवं साध्य का दर्शन है, साधन एवं साध्य का, और अभी मैंने ऑलरेडी समझा दिया कि दोनों पवित्र होने चाहिए। गांधी जी का ये दर्शन है कि साधन एवं साध्य दोनों पवित्र हों, लेकिन साधन पवित्र होने ही चाहिए। एक बार साध्य का हमारा कंट्रोल नहीं है, बेसिकली कई जगह देखिए थ्योरी क्या है, कई जगह थोड़ी थोड़ी अलग अलग दी होगी आप, इसीलिए मैं कहता हूँ एक आध सोर्स ही फॉलो करिए, ठीक है। कई जगह आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि गांधी जी साधन की पवित्रता पर बात करते हैं, कई जगह आप पढ़ेंगे तो लिखेगा कि गांधी जी साधन एवं साध्य दोनों की पवित्रता पर बात करते हैं। बेसिकली फोकस यही है, और सही बात है कि गांधी जी ऑब्वियसली बात है दोनों की पवित्रता पर बात करेंगे। भाई गांधी जी को लगेगा कि यार जो सत्य और अहिंसा के माध्यम से हम लुटेरी सरकार को वहाँ पे स्थापित कर देंगे, तो ऑब्वियसली बात है गांधी जी उस चीज़ को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो लॉजिकल बात वही आती है कि गांधी जी साधन एवं साध्य दोनों की पवित्रता पर बात करते हैं, तो आपको क्या करना है, उसी का वर्तमान प्रासंगिकता बता देना है। या फिर आपको लगे कि नहीं गांधी जी की बात से मैं सहमत हूँ या मैं गांधी जी की बात से असहमत हूँ, मुझे नहीं लगता है गांधी जी की ये बात अब वर्तमान में प्रासंगिक रह गई है, तो आप थोड़ी सी आलोचना भी कर सकते हैं। हालांकि गांधी जी की आलोचना करने से बचिएगा,
अगर ट्रंप की आलोचना करने को आए तो बिल्कुल करिए जी, खोल के करिए, ठीक है। लेकिन अगर आप यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं तो गांधी जी की आलोचना करने से अधिक, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम हमें आलोचना ही नहीं करनी है, अधिक आलोचना गांधी जी की नहीं करनी है, ठीक है। अब देखिए मैं कैसे लिखता हूं आंसर को। साधन साध्य क्या है? लक्ष्य अथवा परिणाम होते हैं जिन्हें साधनों अथवा विधियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो देखिए मैंने केवल 15 शब्दों में एग्जैक्टली लिख दिया कि साधन एवं साध्य क्या होते हैं, क्लियर, ज्यादा समझाने की कोशिश यहां पे नहीं की, ठीक है। फिर लिख दिया उसको कनेक्ट करके, कुछ विचारक लक्ष्यों की पवित्रता अथवा उपयुक्त होने पर जोर देते हैं, यानी कुछ विचारक क्या मानते हैं कि जो साध्य है यानी लक्ष्य है, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल यहीं भी समझिए, सुभाष चंद्र बोस क्या मानते थे, साध्य उनका लक्ष्य क्या है, स्वतंत्रता। तो वो कहते थे यार स्वतंत्रता ऐसा है तो इसको हम हिंसा के माध्यम से भी प्राप्त कर लें, हिंसक स्वतंत्रता भी प्राप्त कर लें। तो देखिए ये जो तरीका है, अगर आप देखें वर्तमान नैतिक जीवन में तो हिंसा हमेशा अनैतिक ही मानी जाएगी, हिंसा को नैतिक नहीं माना जा सकता। तो देखिए आप ये तरीका क्या है, ये अपवित्र है, लेकिन जो साध्य है यानी जो लक्ष्य है वो पवित्र है, ये बात कुछ विचारक मानते हैं। तो वही लिखा मैंने, कुछ विचारक लक्ष्यों की पवित्रता अथवा उपयुक्त होने पर जोर देते हैं, जबकि गांधी जी उन विचारकों में से हैं, ठीक है। ऐसे कई विचारक हैं जो साध्य एवं साधन दोनों की पवित्रता अथवा यूं कहें कि साधन की पवित्रता पर अधिक जोर देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको एक चीज लिखनी है तो गांधी जी क्या कह रहे हैं, साधन पवित्र होने चाहिए। हालांकि गांधी जी दोनों बात कहते हैं कि साधन एवं साध्य दोनों पवित्र होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये लिखना है, साधन की पवित्रता पर गांधी जी अधिक जोर देते हैं, ठीक है, इस बात को समझिएगा। फिर मैंने क्या लिखा, आगे लिख दिया, अब वही एक्सप्लेन करना था, दर्शन को स्पष्ट करना था, तो दर्शन को स्पष्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखिए ये जो मैंने तरीके यहाँ पे यूज़ किए हैं, अच्छा आपको ये पता ही होगा कि ये क्वेश्चंस मैं अपने मन से नहीं बनाता हूँ, किसी ना किसी टेस्ट सीरीज से पेपर उठाता हूँ, क्वेश्चन उठाता हूँ। मैं गारंटी देता हूँ कि जो यहाँ पे मॉडल आंसर मैं डिस्कशन करता हूँ, टेस्ट सीरीज के मॉडल आंसर में आपको वो कंटेंट नहीं मिलेगा, ये मेरा श्योरिटी है। क्यों? क्योंकि ये मेरी खुद की थिंकिंग है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जो टेस्ट सीरीज में आप मॉडल आंसर देखेंगे जनरली क्या होता है, पैराग्राफ वाइज लिख के चीज़ों को खत्म कर दिया जाता है। यहाँ पे जो मैं एग्जांपल यूज़ करता हूँ वो बिल्कुल करंट अफेयर से यूज़ करता हूँ, जो खुद की थ्योरीज पढ़ी है, जो सेकेंड ईयर सी रिपोर्ट पढ़ी है, जो मैंने कंटेंट अपना पढ़ा हुआ है उसको मैं यूज़ करता हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस को इधर उधर की चीज़ों को जोड़ के यहाँ पे आंसर बनाता हूँ। तो आप देखेंगे मैंने ये जो यहाँ पे बहुत अच्छा तरीका एक यूज़ किया है कि गांधी जी की पूरी बात को समझा देना, ठीक है। अभी देखिएगा कैसे समझाया है, थोड़ा इस बात को आप देखेंगे और सीखने का भी प्रयास करिए। मैंने क्या लिखा, इनके अनुसार व्यक्ति का मुख्य नियंत्रण साधन पर हो सकता है, ठीक है। ऑलरेडी मैं इस बात को डिस्कशन कर चुका हूँ, ठीक है, कि आपका नियंत्रण साधन पे है, कि आप नकल करके एग्जाम पास होना चाहते हैं, कि आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करके पास होना चाहते हैं, तथा साधन की पवित्रता साध्य को पवित्र बना देती है, ठीक है। वो बात मैंने समझा दी, गांधी जी यही कहते हैं कि भाई साधन पवित्र है तो साध्य अपने आप पवित्र हो जाए। भाई आपका ईमानदारी है तो आप आईएएस बने न बने, आप हो सकता है शिक्षक बन जाए, लेकिन आप इमोशनल इंटेलिजेंस अंदर रखते हैं, आप जो साधन है सारे वो राइट तरीके से राइट टाइम पे राइट प्लेस पे यूज कर रहे हैं, तो आपका जो साध्य होगा, जो लक्ष्य होगा, वो अपने आप नैतिक हो जाएगा, गांधी जी इस बात को कहते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां पे देखिए उदाहरण से बता दिया, अतः उन्होंने सत्य यानी साध्य तक पहुंचने का मार्ग अहिंसा यानी सत्याग्रह को माना, ठीक है। तो गांधी जी का जो साध्य था यानी गांधी जी का जीवन का लक्ष्य क्या था, उनका यही लक्ष्य था सत्य। और आप देखेंगे उन्होंने किताब में लिखी है सत्य के मेरे प्रयोग, आप चाहें तो इससे कुछ एग्जांपल, अगर आपने किताब पढ़ी है, हालांकि मैंने पढ़ी थी लेकिन मुझे अब कुछ याद नहीं है इसके बारे में, ठीक है। तो जो आप सिंपल सा ऐसे लिख सकते हैं, गांधी जी अपनी किताब सत्य के मेरे प्रयोग में ऐसा ऐसा कुछ लिखा है, अगर आपको कुछ याद आ रहा है एग्जाम्पल, ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हैं, ठीक है। एथिक्स पेपर फोर के लिए मतलब आप कह सकते हैं एक अच्छी किताब है एग्जाम्पल के लिए, है ना। तो मैंने यही बताया कि गांधी जी का लक्ष्य क्या था, साध्य तक पहुंचने का मार्ग अहिंसा था, ठीक है, ये बात समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि जो मैं आईपैड में आंसर राइटिंग करता हूँ तो बहुत स्पेस नहीं है, देखिए पेज में बहुत छोटा स्पेस है, जबकि यूपीएससी का जो असली पेज होता है वो यहाँ से लेके कम से कम यहाँ तक, बल्कि इससे बड़ा ही होता है। तो मैं क्या करता, ये जो चीज़ है, ये जो मैंने लिखा है साधन एवं साथ, ये मैं किनारे बक्से में बनाता हूँ। ऑलरेडी आपने देखा होगा मैं हर जगह आंसर राइटिंग में यूज़ करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बक्से में बनाना पॉसिबल हो नहीं रहा था, मैंने क्या किया उसको बीच में इंक्लूड कर लिया। बाकी जो लोग मेंस लिख रहे हैं उन लोगों को क्या करना है, ये चीज़ किनारे ऐसे बक्से में बनानी है और लिख देना है। तो देखिए मैंने क्या बताया, इस बात को समझिएगा, मैंने क्या बताया, मैंने बताया गांधी जी के कुछ साधन हैं, ठीक है। बेसिकली गांधी जी ने एक लेख था उनका, यंग इंडिया एक अखबार छापते थे गांधी जी, उसमें क्या किया था, उन्होंने प्रकाशित किया था एक सात सामाजिक पाप, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेवन सोशल सिन की थ्योरी उन्होंने बताया था, ठीक है, सेवन सोशल सिन की थ्योरी।
उसी को मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया और बहुत अच्छे तरीके से इनोवेटिव तरीके से यूज़ किया। देखिए गांधी जी 716 में क्या कहते हैं, नैतिकता के बिना व्यापार पाप है, चरित्र के बिना ज्ञान पाप है। मतलब आप ज्ञानी हैं, आपको नॉलेज बहुत ढेर सारा है लेकिन आपके अंदर चरित्र नहीं है, ठीक है, तो आप ये पाप कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के दे दूँ, एक्यू खान, ठीक है, एक्यू खान भाई बहुत ज्ञानी इंसान, परमाणु ज्ञान इनको पूरा प्राप्त है, ठीक है, पाकिस्तान के, आपको पता होगा कि पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक रहे हैं, लेकिन उनके अंदर चरित्र नहीं है, ठीक, और चरित्र नहीं है ठीक, तो वो क्या करते हैं भाई, पूरा परमाणु प्रसार कर देते हैं, मतलब उत्तर कोरिया से लेके ईरान सबको परमाणु बम मिल जाता है, ठीक है, इस बात को समझिएगा। उसी तरह से आप देखेंगे डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम के पास ज्ञान भी है, परमाणु वैज्ञानिक वो भी रहे हैं और हर चीज़ उन्होंने मिसाइल, भारत ने मिसाइल टेक्नोलॉजी लाने में उनका बहुत योगदान है, उनके अंदर चरित्र भी है, तो वो क्या बनते हैं, वो राष्ट्रपति बनते हैं और बड़े बड़े काम करते हैं राष्ट्रपति बन के, ठीक है। तो ये देखिएगा, नैतिकता के बिना व्यापार पाप मानते हैं गांधी जी, मानवता के बिना विज्ञान पाप मानते हैं, भाई वैसा विज्ञान नहीं जो मानवता योग्य नहीं, फॉर एग्जाम्पल आप नैनो टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी बना रहे हैं, बढ़िया है, लेकिन आप मानव की क्लोनिंग शुरू कर दीजिए, आप क्या करिए, मानव को वहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं वो मानवता को नुकसान पहुँचा रहा है, तो क्या है वो विज्ञान पाप है, गांधी जी ये कहते हैं। गांधी जी कहते हैं कि पूजा, अगर त्याग के बिना पूजा हो तो वो क्या है, पाप है। परिश्रम के बिना धन अगर आपको प्राप्त हो जा रहा है तो वो पाप है। सिद्धांतों के बिना अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो वो पाप है। जैसे आप देखेंगे कई राजनीतिक दल में वर्तमान में क्या होता है, यहाँ से उठ के यहाँ चले गए, इस पार्टी से उठ के यहाँ चले गए, दल बदल करते रह गए, तो ये क्या है गांधी जी के अनुसार, ये सब पाप है। अंतरात्मा के बिना आनंद पाप है, तो गांधी जी ये बात बताए। अब बेसिकली आप जो गांधी जी ने सोशल सीन यूज़ किया, 7 सोशल सीन गांधी जी ने बताया, वो क्या हो रहा है असल में आप देख पाएंगे, साध्य क्या है, व्यापार, ज्ञान प्राप्ति, विज्ञान, पूजा, धन प्राप्ति, राजनीति करना, आनंद प्राप्त करना, ये सब क्या है, साध्य, यानी लक्ष्य है। मानव जीवन में यही तो उद्देश्य होता है, या तो आपका उद्देश्य होगा कि आप अच्छे व्यापारी बन जाएं, या आपका उद्देश्य होगा आप अच्छे ज्ञानी जो विद्यार्थी हैं वो बन जाएं, विज्ञान में कुछ कर दिखाएं, पूजा पाठ ढंग से करें, धन खूब ज़्यादा मिल जाए, राजनीति में आप एकदम चमक जाएं और आनंद की प्राप्ति खूब हो, आपके लक्ष्य यही सब तो होते हैं जीवन में। लेकिन गांधी जी कहते हैं साधन, यानी इन साधन के बिना अगर आप ये लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं तो क्या है, पाप है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको बहुत अच्छे तरीके से अपने हिसाब से मोल्ड कर दिया, बगल में यहाँ पे बार बार के बिना लिखने की जगह मैंने क्या किया, एक लाइन खींच दी वहाँ पे, पूरा इकट्ठे लिख दिया के बिना, कॉमन लेके, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ तो हर चीज़ में कॉमन लेने की आदत हो गई है, तो यहाँ पे कॉमन लेके लिख दिया आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस बात को समझा दिया, उसको लिख दिया वहाँ पे एग्जांपल से, बहुत अच्छा, और बक्सा बना देता तो बहुत अच्छा हो जाता। फिर क्या लिखा, वही चीज़ वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, उन्होंने नैतिक साधनों के बिना प्राप्त लक्ष्यों को अपने 7 सामाजिक पाप द्वारा समझाया, ठीक है। तो वही बात है, देखिए जो ऊपर लिखा है मैंने ब्रैकेट में, तो मैं क्या करता, ये पॉइंट पहले लिखता, किनारे बक्सा बना के इसको लिख देता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है और वो मेरी प्रॉब्लम है, मतलब इसमें हो नहीं पा रहा आईपैड में, ठीक है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, और हो भी जाता आईपैड में, ऐसी कोई बात नहीं है, हो जा रहा था, A4 साइज का ही है लगभग आईपैड। प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर मैं उस हिसाब से लिखूंगा तो आपको दिखेगा नहीं और समझ में नहीं आएगा, तो मैंने थोड़ा फॉन्ट जानबूझ के बड़ा कर रखा है, ठीक है। गांधी जी के अनुसार उचित साधनों का प्रयोग दीर्घकालिक प्रतीत हो सकता है, परंतु यह सबसे लघु मार्ग है, ठीक है, वही बात है, सीधे ऐसे समझिए, यहां पे मैंने एग्जांपल लिखा है, उदाहरण, अहिंसा एवं सत्याग्रह द्वारा स्वतंत्रता का लक्ष्य भले ही दीर्घकालिक लगता हो परंतु यही उचित था, ठीक है। गांधी जी यही कहते हैं कि अगर आप एक बार में देखेंगे तो आपको लगेगा यार मेहनत करके यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उठपटांग कोचिंग के पीछे नहीं भाग रहे हैं, ठीक है, सारे मटेरियल दुनिया भर के इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, आपके दिमाग में यही लगेगा, ठीक है, तो यार बहुत यूपीएससी तो लग रहा है, 7-8 साल मुझे लग जाएगा प्रिपेयर करना, आपको ऐसा फील हो सकता है एक बार। लेकिन गांधी जी कहते हैं ये जो तरीका है ना, ये बेस्ट तरीका है, और वाकई में असली में देखो तो यही शॉर्ट तरीका है। आप मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं, आप 2 साल कोचिंग कर रहे हैं, आप टेस्ट सीरीज नहीं सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, बाकी चीज़ें आपको लग रही है कि मैं ये सब नहीं करूंगा, खाली कोचिंग के भरोसे बैठ जाऊंगा तो मेरा सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा, लेकिन आप ये सब नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो पाएगा। तो गांधी जी यही कहते हैं, और इसी को मैं एग्जांपल के माध्यम से जो गांधी जी के जीवन है उससे अगर समझाऊं तो गांधी जी क्या कहते हैं कि हमें एक बार लग सकता है कि यार मैं सत्य का प्रयोग कर रहा हूं, अहिंसा का प्रयोग कर रहा हूं, सत्याग्रह से बार बार सत्याग्रह बंद हो जाता है, मुझे संघर्ष तैयारी संघर्ष की रणनीति का प्रयोग करना पड़ता है, बार बार समस्याओं में पड़ना पड़ता है, उलझना पड़ता है, और ये बहुत समय है। फॉर एग्जाम्पल 1915 से स्वतंत्रता आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ और 1947 में, अच्छा ये डिबेट मत करने बैठेगा कि सर गांधी जी ने स्वतंत्रता नहीं दिलवाई थी, मुझे इन डिबेट्स में नहीं जाना है, जस्ट मैं इतना बता रहा हूँ कि 32 साल तो यहीं पे लग गए। अगर आप सीधे देखेंगे तो 1857 से जोड़ दें तो 1857 से भारत को लगभग
90 साल लग गए स्वतंत्रता प्राप्त करने में। ठीक है, इस बात को समझिएगा, यानी स्वतंत्रता आंदोलन कांग्रेस से जोड़ लें तो आपको लगभग देख सकते हैं आप 62 साल लगभग, 1885 में कांग्रेस बना और आप देख सकते हैं लगभग 62 साल लग गए हमें स्वतंत्रता प्राप्त करने में, तो काफ़ी लॉन्ग टाइम लगा। लेकिन गांधी जी कहते हैं यही क्या है, दीर्घकालिक लग रहा है लेकिन यही उचित है और यही लघु है। क्यों? अगर हम हिंसा करते, दमन करते, मारते तो क्या होता, अंग्रेज हमारा दमन कर देते, अंग्रेज हमारे ऊपर और जो पूरी दुनिया का नैतिक बल हमारे सामने लग गया था, जैसे अमेरिका हमें सपोर्ट करता, रूस हमें सपोर्ट कर रहा था, तो नहीं करते लोग। जैसे अभी वर्तमान में देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी प्रॉब्लम है, जम्मू कश्मीर में काफ़ी अलगाववादी आंदोलन चलते हैं, तो ये भी एक तरह का आप कह सकते हैं राष्ट्रवाद की तरीका है, क्षेत्रवाद का तरीका है। लेकिन क्या होता है, जब इसमें हम दमन, जब वो मान लीजिए आतंकवादी घटनाएं किया उन्होंने और हमने क्या किया, उनको वापस मारा है ना, हमने आतंकवादियों को गोली मार दी। ठीक है, हमारे सैनिक भले से शहीद होते हैं लेकिन हमने उनको गोली मार दी, तो कोई इसका विरोध नहीं करता, एक दो चिटपुटियों को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान चीन को, बाकी आप देखेंगे पूरा जो दुनिया है वो नैतिक सपोर्ट हमारे साथ ही है। तो इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि आतंकवादी वाली जो चीज़ें हैं वो भले से लगता हो कि इससे यार हम जल्दी से जल्दी लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, लेकिन वो दीर्घकालिक हो जाता है, जबकि ये जो तरीका है, जो उचित साध्य है, जो उचित साधन का तरीका है, वो हमेशा लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करवाता है। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स उनके दर्शन को स्पष्ट कर दिया। ठीक है, दो तीन चीज जो मेन पॉइंट थी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ ताकि एज अ टॉपिक भी आपका तैयार हो जाए। गांधी जी क्या कहते हैं, पहली बात आपको क्या रखनी है, गांधी जी कहते हैं आपका नियंत्रण साधन पर है तो साधन पर नियंत्रण करिए। दूसरा, गांधी जी कहते हैं कि लगता है कि अगर हम उचित साधन प्रयोग करेंगे तो बहुत डिले होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, वाकई में यह सही मार्ग है। ठीक है, आपको ये दो तीन चीज़ें याद रखनी होंगी। अब मैं क्या करूंगा, निष्कर्ष लिखूंगा और निष्कर्ष में क्या बताऊंगा, वर्तमान प्रासंगिकता। तो क्या लिखा देखिए निष्कर्ष में, स्पष्ट है कि गांधी जी के यह विचार लोक सेवकों को जन कल्याण, समता, समावेशी विकास, सर्वोदय तथा अंत्योदय आदि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, तटस्थता एवं वस्तुनिष्ठा आदि साधनों की अनिवार्यता करता है। तो क्लियर, मैंने वही बात कही कि लोक सेवक, मान लीजिए आप DM बन गए हैं और आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीब हैं इस क्षेत्र में, ऐसा ही क्या करो, ये जो अमीर लोग हैं इनके ऊपर चलते हैं, आज केस ठोंकते हैं तो आएंगे, पैसा देंगे ही हमें, 2-4 लाख रुपये पहुँचा देंगे केस हटाने का, तो ये पैसा मैं क्या करूँगा, गरीबों में बांट दूंगा। तो आप कर तो रहे जन कल्याण, अगर आप देखें तो ये क्या है, जन कल्याण का तरीका है, है ना, आपका उद्देश्य तो बहुत पाक साफ है, अब अंदर क्या चल रहा है वो तो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो आपका उद्देश्य बहुत पाक साफ है लेकिन हो क्या रहा है, वाकई में वो गलत है। गांधी जी कहते हैं आपको ये सब उद्देश्य प्राप्त करना है, अंत्योदय, समावेशी विकास, समता, जन कल्याण, ठीक है, ये सब प्राप्त करना है, लेकिन आपको क्या करना होगा, ईमानदारी रखनी होगी, सत्यनिष्ठा रखना होगा, तटस्थता रखना होगा, वस्तुनिष्ठा रखना होगा और इन साधनों की अनिवार्यता रखनी होगी, आपको नियमबद्धता रखनी होगी, नियम नहीं तोड़ सकते। और बेसिकली मैंने जो एथिक्स पेपर 4 के जो वैल्यूज़ थे, देखिए यहाँ पे जो सिलेबस में जो वैल्यूज़ दी थी उनका यूज़ निष्कर्ष में कर दिया है बहुत ही चालाकी से, और जो एग्जामिनर होगा वो खुश हो जाएगा जब ये कीवर्ड्स वो देखता है अपने आंसर में, तो इसी वजह से वो खुश हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं जो कि GS पेपर 1 का प्रश्न है, काफ़ी बड़ा प्रश्न है, 250 शब्दों में लिखना है। ठीक है, क्या है प्रश्न, पढ़ता हूँ एक बार, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है तो मैं सोचता हूँ जो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, जैसे कुछ डिमांड की जा रही थी सर जो पुछल्ले चीज़ें हैं और जो एग्जाम में पूछ देता है उसको डिस्कस कर दीजिए, जनरली ये चीज़ें आपको किताबों में नहीं मिलेंगी, तो ये चीज़ें मैं सोचता हूँ कि खुद से डिस्कशन कर लूँ। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, जल संभर की व्याख्या कीजिए, वाटरशेड, जल संभर प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उपयुक्त उदाहरण देते हुए भारत में जल संसाधन प्रबंधन में इसके महत्व की चर्चा कीजिए। और आप देखेंगे 2019 में जो सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम हुआ है CSM, उसमें जल संभर से प्रश्न पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रश्न हो जाता है। ठीक है, अब इसको देखते हैं, पार्ट क्या है पढ़िए एक बार, जल संभर की व्याख्या करना है पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट जल संभर प्रबंधन से आप क्या समझते हैं ये, तीसरा पार्ट उपयुक्त उदाहरण देते हुए बताइए कि भारत में जल संसाधन प्रबंधन में इसका क्या महत्व है, तीसरा पार्ट ये हो गया। ठीक, इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, एक्सप्लेन व्हाट अ वाटरशेड इज, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय वाटरशेड मैनेजमेंट, गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस इन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो ये 3-4 पार्ट है। ठीक है, अब देखिए भाई, मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे, सीधे कि जल संभर क्या है यही बता देंगे इंट्रोडक्शन में, मुख्य भाग में क्या लिखेंगे, जल संबद्ध प्रबंधन क्या है, यही तो है मुख्य भाग, बी भारत में इसका महत्व बताना है एग्जाम्पल के साथ, किसके लिए, जल संसाधन संरक्षण में। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर दूं ताकि दिखे। अब यहां पर देखिए आपको 2-3 डायग्राम बनाने होंगे, पहला डायग्राम ये है जल संभर, तो जल संभर का डायग्राम बना दीजिए, देखिए ये क्या है, एक मुख्य नदी जा रही है
और मुख्य नदी के साथ खूब ढेर सारी सहायिकाएँ आ रही हैं बगल अगल में। तो जल संभर क्या है? जल संभर बेसिकली अगर हम डिफाइन करें, जल संभर क्या है, वह पूरा क्षेत्र, देखिए पूरा क्षेत्र जहाँ से जल विभिन्न स्रोतों से बहता हुआ, विभिन्न स्रोत क्या हैं, यहाँ पर मैंने स्रोत क्या दिखाए, सहायिकाएँ, तो जल विभिन्न स्रोतों से बहता हुआ एकल स्रोत में जाए या फिर हम कह सकते हैं एकल बिंदु पर आके मिले, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम जल संभर, है ना। अब जल संभर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा क्या है, एक नदी बेसिन भी जल संभर है। अगर मैं इसका एक हिस्सा यहाँ पे तोड़ दूँ, केवल इस पार्ट की बात करूँ, तो ये भी एक जल संभर है। क्यों? ये जो छोटी सहायिका है यहाँ पे भी कहीं ना कहीं बारिश का पानी आ रहा होगा कहीं से, तो ये जो पूरा एरिया होगा जहाँ पर ये जो जल, ये नदी है, सहायक नदी है, वो पूरा एरिया जहाँ पे यह सहायक नदी जहाँ से जल ग्रहण करती है, कोई भी सोर्स हो, चाहे वह भौम जल से हो, चाहे वह कुएं के पानी से हो, या तालाब से हो, या वर्षा के जल से हो, कोई भी जल स्रोत से जहाँ से ये नदी, जहाँ पर ये पूरी नदी ग्रहण करती है जल, उस पूरे एरिया को बोलते हैं इसका जल संभर, यानी वाटर शेड, ठीक है। जहाँ पे यह जल, मान लीजिए जैसे ये नदी है, अगर मैं और एग्जांपल अच्छे से समझाऊँ तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा आसान रहेगा। ये आपका वेस्टर्न घाट है, ठीक है, वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे नदियाँ बह रही हैं, एक नदियाँ हो गई पूर्वी नदियाँ जो पूर्वी डायरेक्शन बहती हैं, कुछ हैं पश्चिमी नदियाँ। अच्छा ये बताइए, जो पूर्वी नदियाँ हैं, ठीक है, पूर्वी नदियाँ हैं, पूर्वी नदियाँ जल कहाँ से प्राप्त कर रही होंगी? क्या ये जो पश्चिमी घाट है इसके इस पार्ट से, यानी पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग से जल प्राप्त कर पा रही होंगी पूर्वी नदियाँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ढाल ऐसे है, यहाँ पे बारिश गिरेगी तो इधर चला जाएगा पानी, इधर नदियों में चला जाएगा। यानी अगर हम बात करें वाटर शेड क्या है, जो पूर्वी नदियाँ उनका वाटर शेड क्या है, तो अगर पश्चिमी घाट ये है तो पूर्वी नदियों का वाटर शेड ये है इस साइड, यानी पश्चिमी घाट के पूर्वी साइड में, तो ये हो गया इनका वाटर शेड, ठीक है, पूर्वी नदियों का वाटर शेड ये हो गया। इसी तरह से जो एक सहायक नदी है, वही मैंने समझाया, आप कह सकते हैं एक तालाब है, ठीक है, एक छोटा सा तालाब है, तालाब में भी जहाँ से पानी आ रहा है, मान लीजिए किसी नाले से पानी आ रहा है, ठीक है, नाले से पानी आ रहा है, इसके अलावा वर्षा का जल, ये पूरा जो एरिया है तालाब के बगल में, यहाँ पे जितना बारिश होता है ये सब पानी बह के तालाब में चला जाता है, तो तालाब का वाटर शेड क्या होगा, ये पूरा एरिया हो जाएगा जहाँ से बह के पानी वहाँ पे जा पाता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वाटर शेड क्या है वो समझ में आ गया, अगर आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अब क्या बताना है, तो वही मैंने देखिए यहाँ पे लिख भी दिया इंट्रोडक्शन को, कि जल संभर क्या है, वह क्षेत्र जहाँ पर जल विभिन्न स्रोतों से इकट्ठा होता है, और ये डायग्राम आपको बना देंगे, ठीक है, ये डायग्राम बना देंगे। आगे उदाहरण के तौर पे लिख देंगे कि यह एक तालाब भी हो सकता है, तालाब का जल संभर भी हो सकता है, साथ ही एक पूरा नदी बेसिन, यानी देख सकते हैं आप, एक छोटा जल संभर से लेके एक बहुत बड़ा जल संभर भी हो सकता है, ठीक है, तो एक तालाब से लेके एक बहुत बड़ी नदी इकाई भी जल संभर हो सकती है, ठीक है। अब अगला है वाटरशेड मैनेजमेंट, जल संभर प्रबंधन क्या है। तो जल संभर प्रबंधन की आपको डिफिनीशन देखिए कैसे लिखनी है, इसकी डिफिनीशन बहुत शॉर्टकट में लिखनी है, कैसे लिखेंगे, जल केंद्रित नियोजन का एक उदाहरण है। जल संभर प्रबंधन क्या है, देखिए यहाँ पे जल संभर, पूरा जल यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, यानी यहाँ के वाटर रिसोर्सेज यहाँ पे है, ठीक है, पूरे वाटर रिसोर्सेज का आपको पता करना है। आज आपको इसका, जैसे ये नदी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैं ये नदी है और इसका आपको वाटर शेड बनाना है, तो वाटर शेड मतलब आप पूरे जल संसाधन कहाँ से इस नदी को प्राप्त हो रहा है, यानी आप इसको पता करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, इसका मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। अब मैनेजमेंट आप किन किन चीज़ों पे करेंगे, भाई वहाँ पे कृषि हो रही है, वहाँ पे उद्योग हो सकता है, वहाँ पे सेवा क्षेत्रक हो सकता है, वहाँ पे खाद्य एवं पशु संसाधन हो सकते हैं, वहाँ पे हो सकता है आप सिंचाई परियोजना चला रहे हो सकता है आप बहुउद्देशीय एनर्जी परियोजना चला रहे हो, ठीक है, ऊर्जा परियोजना, तो क्या करेंगे आप, बेसिकली इन चीज़ों का प्रबंधन करेंगे, जहाँ जहाँ जल का यूज़ हो रहा है, जिन जिन चीज़ों पर जल का यूज़ हो रहा है उसका पूरा प्रबंधन ही जल संभर प्रबंधन है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा डिफिनेशन, जल केंद्रित नियोजन का एक उदाहरण है, जल संभर प्रबंधन जल केंद्रित नियोजन का एक उदाहरण, जहां पर विभिन्न जल स्रोतों को या फिर हम कह सकते हैं जल संसाधनों को नियोजन के दौरान प्राथमिकता दी जाती है, ऐसा डिफिनेशन आप लिख देंगे। अब वाटरशेड मैनेजमेंट वाकई में क्या है, तो वाटरशेड मैनेजमेंट बेसिकली केवल वाटर का मैनेजमेंट नहीं है, ये देखिए इस बात को समझिएगा, ये पूरे वाटरशेड का मैनेजमेंट है, और वाटरशेड में क्या आता है, जो पूरा एरिया है वहां पर कई चीजें आती हैं, हो सकता है वहां पर वन हो, वहाँ पे जीव हो, ठीक है, यहाँ पे कुत्ता बना दिया मैंने, यहाँ पे इंसान हो, ठीक है, यहाँ पे हाथी हो, यहाँ पे नदी जा रही हो, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि खेत हो, यहाँ पे हो सकता है उद्योग हो, ठीक है, उद्योगों को चिमनी से दिखाते हैं, ठीक है, हो सकता है उद्योग हों ढेर सारे, इन सब का मैनेजमेंट, पूरे क्षेत्र में रिसोर्सेस का मैनेजमेंट, जितने रिसोर्स हैं बेसिकली सबका मैनेजमेंट क्या होता है, वाटरशेड मैनेजमेंट। तो आप जल संसाधन प्रबंधन को कैसे समझाएंगे, इसी तरह से एक फ्लो डायग्राम बनाइए और उससे समझा दीजिए। जल संसाधन जल संभर प्रबंधन का तात्पर्य केवल जल संसाधन
प्रबंधन से नहीं है बल्कि उस पूरे क्षेत्र के मैनेजमेंट से। और पूरे क्षेत्र में क्या आएगा, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा भी आएगी, मृदा संरक्षण भी आएगा, मानव संसाधन भी आएगा, पर्यावरण प्रबंधन भी आएगा, उद्योग एवं विकास भी आएगा और जल संरक्षण भी आएगा। इसके अलावा आप चाहें तो ऊर्जा संरक्षण भी लिखते हैं, ये सब आएगा। बस केंद्रित क्या रहेगा, जल संसाधन केंद्रित दृष्टिकोण रहेगा हर चीज में। हम ये देखेंगे, मान लीजिए हमको उद्योग का डेवलपमेंट करना है तो हम ये देखेंगे कि यार जो अपशिष्ट जल है वह सीधे जल स्रोतों को गंदा ना करें, वो क्या करें वापस इसका रिसाइकिल रियूज करें, जल दक्षता को बढ़ाएं बेसिकली, ठीक है। क्यों, क्योंकि जल एक प्राथमिक रिसोर्सेज है, सार्वभौमिक रिसोर्सेज है। इन चीज़ों को आप लिख सकते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि चीज़ें काफ़ी समझ में आ रही होंगी क्लियरली के साथ। अब क्या पूछा था प्रश्न में, देखिए प्रश्न में ये बताना था आपको जल संसाधन जल संभर प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, ये बता दिया, व्याख्या कर दी। उपयुक्त उदाहरण देते हुए भारत में जल संसाधन प्रबंधन में इसके महत्व की चर्चा कीजिए। तो उदाहरण आप कौन कौन सा देंगे, दो चार उदाहरण याद कर लीजिए। रालेगण सिद्धि का मॉडल याद कर लीजिए, अन्ना हजारे, उन्होंने क्या किया वहाँ पे ट्रेंच खुदाए और पूरे जल संसाधन प्रबंधन किया। और जल संसाधन प्रबंधन के माध्यम से याद समझेंगे वहाँ पे जो पूरा क्षेत्र जो कि एक समय नशे की बीमारी और 50 तरह के बीमारियों से जूझ रहा था, वो क्षेत्र आज पूरी तरह से सामाजिक आर्थिक विकास के क्षेत्र में अग्रणी हो चुका है, ठीक है। तो आप इसका एग्जांपल पूरी तरह से कोट करके केस स्टडी बना के इवन आप क्या करें, जो मैंने आपको ऑलरेडी ये बक्सा वाला मॉडल बताया, केस स्टडी रालेगण सिद्धि ये बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप चाहे तो एक केस स्टडी राजेंद्र सिंह, जो कि अरवरी जल संसद आपने सुना होगा राजस्थान में है, नहीं सुना है तो इसको गूगल सर्च करिए, अरवरी जल संसद इसको चेक करिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। नीरू मीरू परियोजना जल संभर प्रबंधन की आंध्र प्रदेश की चलाई जा रही है, हरियाली परियोजना चलाई जा रही है राजस्थान की, इसके अलावा चौका मॉडल है राजस्थान में, इन चीज़ों को आप चर्चा कर सकते हैं यहाँ पर उदाहरणों के लिए, ठीक है। अब महत्व देखते हैं जल संसाधन संरक्षण में इसका महत्व। तो जल संसाधन संरक्षण में इसका महत्व पहला ये लिखना है आपको कि जल संकट से बचाएगा, ठीक है। जब आप जल संभर प्रबंधन कर रहे हैं तो आपको पता है कि इस क्षेत्र में इतने इतने रिसोर्सेज हैं, और आपको रिसोर्सेज पता है तो आपको पता होगा कि हम उपयोग कितना करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सीधे ये ग्राफ आपको बनाना है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ये है जल संसाधन उस क्षेत्र का, ठीक है। किसी क्षेत्र के जल संसाधन ये आपको पता चल गया, आपने वाटरशेड बनाया आपको पता चल गया इतने जल संसाधन है। ये है उपभोग का ग्राफ, ये उपभोग का ग्राफ, आपको बताइए यार इससे कम ही उपभोग करना है। यहाँ पे समय बता लूँ, समय का बता दूँ, यहाँ पे परिमाण यूज कर लूँ, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अगर मान लीजिए ये जो जल संसाधन है जितने रिसोर्सेज फिक्स हैं इससे ज़्यादा यूज करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर जल संकट क्रिएट हो जाएगा। देखिए ये लिखा है मैंने, जल संकट क्रिएट हो जाएगा, इस बात को समझिएगा। तो ये ग्राफ बना के बता दें, सतत आय में वृद्धि कर सकता है उस क्षेत्र में, सामुदायिक भागीदारी में बढ़ा सकता है, ठीक है, क्योंकि जल संसाधन आपको पता है तो आप सामुदायिक प्रबंधन कर सकते हैं। इसके अलावा ऊर्जा सुरक्षा खाद्य सुरक्षा इन चीज़ों का आप जल संसाधन संरक्षण में बता सकते हैं। मतलब कहने का क्या मतलब है, ऊर्जा सुरक्षा खाद्य सुरक्षा कैसे, मान लीजिए आपको ऊर्जा परियोजना चलानी है तो भी आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि ऐसा ना हो कि नदी का इको फ्लो ही बाधित हो जाए, इस बात को ध्यान में रखना होगा जल संबद्ध प्रबंधन में। खाद्य सुरक्षा यानी आपको कृषि करनी है तो आप देखेंगे कि यार शुष्क क्षेत्र है तो शुष्क क्षेत्र में भारत में क्या होना चाहिए, भारत में शुष्क क्षेत्र में स्प्रिंकलर ड्रिप सिंचाई होनी चाहिए, यानी सिंचाई के साधनों को आप देख सकते हैं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप इन चीज़ों को वर्णित कर सकते हैं जो कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक पार्ट है। तो इन चीज़ों को आप बताते हुए अपने एग्जाम्पल में कोट करते हुए महत्व बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन है पार्ट सेकेंड काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ज्योग्राफी में भी आ सकता है, इवन पेपर तीन में भी आ सकता है, तो पेपर वन और पेपर तीन दोनों में किसी में भी आ सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप समझेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, UPPCS थोड़ा हम फोकस हो जाएंगे एक महीने, ठीक है, और आंसर राइटिंग बेसिकली हम करते रहेंगे। अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए, लगातार बने रहिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कृपया UPSC हिंदी जो हमारा है इसको सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।